मक्की फतेह, डिवीजन नंबर 1 अजनाला। पे कमीशन लैके तो होर हदायतों को लैके जो लागू करने के संबंध में जोड़ा धरना कल अमृतसर लाना वो संबंध में इन्हों गल करते हैं वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वालों इन्हों गल करते भी इन्हों का की कहना है जरा जे ई वर्ग में एक पेट्रोल अलाउंस मिलता सी वह भी सरकार वालों पे कमीशन से इनू अबोलिश करने की गल की गई है जो कि बहुत ही खतरनाक है क्योंकि अज जेइया के सैक्शन जोड़े है वह दूर दुरेडे एरिए है तो कोई सरकारी कन्वीनस उन्होंने मुहैया नहीं की गई तो जोड़ा उन्होंने पेट्रोल अलाउंस मिलता भी सी 30 लीटर जिसनों असी अपने रिकमेंडेशन अपने सबमिशन 80 लीटर के करीब किया उसनों भी अबोलिश करने की गल कही गई है। सो यह तकरीबन पिछले 2011 तो एक बार 2011 तो सानू कन्वीनस अलाउंस मिलया पेट्रोल अलाउंस मिलया सी सरकार वालों जेडे एक बार 11 जी अनोमली दूर की गई सी पे कमीशन 1/1/2006 दे उसनू भी इन्होंने कन्वर्शन फैक्टर जरा 2.25 लगा के उन्होंने भी होर साडियां तनखावां घटा दित्तियां हन क्योंकि बाकी सारिया के इन्होंने 2.59 या 2.64 कन्वर्शन फैक्टर लाया है उहदे नाल भी साडे वर्ग के सारे इंजीनियर्स दीआं तनखावां ते बहुत ही ज़्यादा फर्क पएगा ते ईवन आसार है कि वह घट भी सकदियां हन। अगला संघर्ष तिखा घोल होएगा जी सारा इंजीनियर वर्ग जिहड़ा कि एक डिवेलपमेंट की रीढ़ की हड्डी है सरकार भी इस गल नूं मन्नी है लेकिन वह सारा वर्ग इस वेले जे साडा कैरियर जां साडा कैटरी सिक्योर नहीं है तो असी फिर अपने हक्कां लई हर तरह का संघर्ष करन नूं तैयार असी सारे एक हाँ। एंड मैं इहदे नाल ही तुहाडे माध्यम के थ्रू सारे ही महकमियां नूं बेनती करांगा सारिया ही ऑर्गनाइजेशन जिन्नियां भी साडे इंजीनियरिंग कैडर है वह कल दे साडे धरने च शामिल होण ते साडी जिहड़ी स्ट्रेंथ है वह वधे ते सरकार नूं पता लगे कि इंजीनियर वर्ग हर एक अपने हक लई संघर्ष तेज तो तेज कर सकता। साडियां पंज मंगां जी बेसिकली एक तो पुरानी पेंशन स्कीम जो कि पुराने सारे साथियों नूं मिलदी पई है तो नवे साथियों नूं बंद हो गई है उहदी असी बहाली दी सरकार नूं बहुत समय तो असी गलबात कर रहे हैं उहदी बहाली होनी चाहिए है जिन्ना भी मुलाजम वर्ग है उन्हों सारे नूं पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। इहदे नाल नाल ही जिहड़ा साडा जेई तो SDO प्रमोशन कोटा है जो कि 50% है उन्होंने भी असी चंडीगढ़ के पैटर्न पर ते होर भारत के सूबे के पैटर्न पर 50-75% करने भी सरकार नूं काफ़ी समय तो लगातार कोरसपोंडेंस कर रहे हैं उहदे बारे भी असी चाहते हाँ कि साडे कैटागरी स्टैगनेशन दूर करने 50-75% प्रमोशन कोटा किया जाए। ये नाल नाल ही जिहड़ी एक नवी सरकार की बड़ी ही कोझी हरकत हुई है कि साडे डिप्लोमा इंजीनियर साडे इंजीनियर क्लास से आउटसोर्सिंग का एक नवा कुहाड़ा इन्हें चलाया है उहदी भी असी निखेधी करते हैं क्योंकि एक जेई की पोस्ट SDO की पोस्ट यहोजी पोस्ट है जिहदे विच आउटसोर्सिंग करना कभी भी सही नहीं साबित होएगा क्योंकि बहुत वड्डे वड्डे प्रोजेक्ट जिहड़े इन्हां दे हत्थों जेई ते SDO क्लास के हत्थों हुंदे ने सो उहदे विच आउटसोर्सिंग राही इन्होंने जेईआं की भर्ती की है SDO की भर्ती की है वह भी तुरंत इन्हां नूं बंद करनी चाहीदी है ते इहदे नाल नाल ही पंजाब दे विच समुची जिहड़ी अनइंप्लॉयमेंट बेरोजगारी बहुत ही चरम सीमा ते पहुँच गई है उहदे विच भी असीं सरकार नूं अपील करते हाँ कि जिहड़े भी रिटायरी साडे अफसर जां साडे कोई भी कैडर दे साथी रहे है उन्हां नूं दुबारा डिपार्टमेंट दे सेवावां लई बिल्कुल ही नहीं लैणा चाहीदा ते नवीं रिक्रूटमेंट करके साडे बच्चे जो कि इस वेले पंजाब च पूरे निराश हो के बाहरले मुल्कां दा रुख कर रहे हैं उन्हां नूं इह नौकरियां ते लाउणा चाहीदा है तां कि पंजाब दी डिवेलपमेंट विच साडे बच्चे साडे कोल रह के चंगा योगदान चंगा हिस्सा पा सकन।